बेटी। हाँ? आई एम सॉरी, आई एम ACP जगदीश रिटायर्ड। अंजलि स्टूडेंट। प्रकृति से तुम्हें बहुत प्यार है। मुझे भी है। मैसूर सिटी से चामुंडी हिल्स, ये प्रकृति, वातावरण, ये सब मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद मैं मैसूर आकर सेटल हो गया। बाय द वे, मैं आपको 2 दिन से देख रहा हूँ। यहाँ आती हो, बैठती हो, मैसूर तुम्हें भी पसंद है क्या बेटी? मैसूर भी पसंद है, महिषासुर भी पसंद है। What? कौन हो बेटी तुम? चामुंडी। मैसूर के एक मंदिर के सामने हुए ACP जगदीश के खून के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। खून का एक भी सुराग या सबूत नहीं मिल रहा है। खूनी बहुत ही होशियारी के साथ ACP जगदीश का खून करके फरार हो गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मामा जी। हाँ बेटी। मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। हाँ बेटी। मामा जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप तैयार होकर नाश्ता कर लीजिएगा। ठीक है, मैं खा लूंगा। ठीक है। हाँ। मामा जी, दवा लेना मत भूलना। ठीक है। अंजू, ध्यान से जाना। यार अंजलि, फेसबुक के आने के बाद लड़कियों के फेस की वैल्यू ही खत्म हो गई है। फेसबुक में लड़कों को फुल मील्स मिल रहे हैं, तो हमारे चेहरे को कौन देखेगा? हाँ यार अंजलि, मैसूर से आने के बाद तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही हो। तुम्हारा चेहरा तो गुलाब की तरह खिल गया है, क्या हुआ था वहाँ पर? बारिश में आइसक्रीम खा रही है। हाँ, वो ऐसी ही है, बारिश में तो उसकी जान बचती है। ए, तुम लोग भी आओ ना। अरे मेरी माँ, हम नहीं आएंगे। इस दुनिया में तेरी तरह अनोखा टेस्ट किसी का नहीं होगा। मेरी जैसे टेस्ट वाले इस दुनिया में बहुत लोग होंगे, पर तेरी तरह सोचने वाला कोई नहीं होगा। मेरी तरह सोचने वाला भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर होगा। At least एक तो पक्का होगा। ये तो
दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अभी मर जाता ना बेकार में, तेरे मरने के टेंशन में मैं अपना मरना भूल गया। दिखने में अच्छे खासे दिखते हो, तो मरने क्यों जा रहा था? यही बात अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम बताओगे? मुझे ना हजार प्रॉब्लम है। तुम्हें हजार प्रॉब्लम हो सही है, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसा बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया नहीं। देखो, मौत से सबको डर लगता है, वो भी सुसाइड से मरना इतना आसान नहीं है। देखो, अगर मरने में हिम्मत रखते हो तो उसका चौथा भाग जीने में लगा दो, तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बी पॉजिटिव, चीयर अप ब्रदर, चीयर अप, चलो। अरे वाह बेटा, आप दोनों में परिचय नहीं है, फिर भी इनके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, कौन है आप? लकी, लक्ष्मण, लक्ष्य बना लूं तो पीछे नहीं हटता, किसी को अपना लक्ष्य भूलने नहीं दूंगा, मुझे सही लगे तो चाहे जितना भी रिस्क हो लेने के लिए रेडी। अरे तुम कब आए बेटा? जब आपका हाथ का काम चल रहा था तब आया। वो तो रोज का काम है ना बेटा। सुब्बू, तुम्हें देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो क्यों? आंटी इतनी सुपर है, उनके लिए इतनी मेहनत भी करते हो तुम, तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वो इतना आसान थोड़ी है बेटा, उसके पति को मानना होगा, तेरी माँ को मानना होगा। सुनिए, क्या हुआ जी, किसे मनाने की बात चल रही है? वो कुछ नहीं है माँ, पापा सामने वाली आंटी पर लाइन मारते हैं ना, अगर तुम परमिशन दो तो पापा को सेहरा पहनाकर इनकी दूसरी शादी करवा देंगे ना। वही तो बेटा, मैं कैसे डील करूँ वही सोच रही हूँ। इसमें डील करने जैसा क्या है माँ, डायरेक्ट जाकर उसके पति से उसकी पत्नी का हाथ मांग लो ना। अरे लक्ष्मण, आखिर हम तो लड़के वाले हैं ना, अगर हम रिश्ता लेकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? उन्हें चाहिए तो वो खुद आएंगे। किसकी शादी है माँ? भैया की। घर में बड़े जब पापा हैं तो मैं तो छोटा हूँ, फिर कैसे शादी कर सकता हूँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस डैडी, आप फिर से शादी कर रहे हो क्या? क्या करूँ बेटी, अरे तेरी माँ और भैया बहुत फोर्स कर रहे हैं ना, मेरा दो दो घर बसाने का इन दोनों का प्लान है। हेलो, दो दो घर नहीं, तुम्हें इस घर से बाहर निकालना है। नहीं, क्या नहीं? मुझे इस होम मिनिस्टर की बात पसंद नहीं है, मैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सुपर, तुम इस बात पर कायम रहना, तुम्हारी दूसरी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी। वेरी गुड बेटा। अंकल। अंकल को क्यों बुला रहा है? शादी की बात करनी है ना। बोल पुत्र, क्या हाल है? शादी, शादी। शादी? किसकी शादी? मेरे बाप की, आंटी से शादी, शादी। शादी? अभी आ रहा हूँ। हाँ, आइए आइए। मुझे सब पता है, तुम सब मिलकर मेरी बलि देने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे नहीं जी, वो सरदार जी आएंगे तो उनकी बीवी की कुंडली मनवा कर डिटेल में बात करेंगे, परेशान मत होइए जी। मुझे ऐसा नहीं है जी, मुझे नहीं करना पसंद। ए भैया, क्या चल रहा है? लोहो, लड़कियों के साथ चैटिंग। चैटिंग हो या मीटिंग हो छोटी की तरह रहो। ओके, जाओ यहाँ से। हाँ, बेंगलोर में कॉलेज का एप्लीकेशन भर रहे हो? नो नो नो, तुम कहीं नहीं जाने वाले, हम सबको यहाँ छोड़कर तुम बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन लोगे? हम सबकी परमिशन लिए बिना तुमने इस कॉलेज में अप्लाई कैसे किया? हा? अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं जी? तो अब तुम थोड़ा चिल्लाओ, मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, छोड़ो, मैं ही चिल्लाता हूँ। ए लक्ष्मण, अब इतने बड़े हो गए हो तुम, किसी से पूछना किसी को बताना जरूरी नहीं समझते? बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन लेने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? हाँ, डैडी, ये तो थोड़ा ओवर हो रहा है ना। ऐसा क्या? हाँ, तो वो आपको अपने जाल में फंसा लेगा, संभल कर। माँ, प्लीज माँ। मैं बैंगलोर भेजने के खिलाफ हूँ। पापा, प्लीज पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे थोड़ा फ्रीडम दो ना पापा। फ्रीडम के लिए तुम हुबली से बैंगलोर जाओगे क्या? क्या मैंने तुम्हें कॉलेज जाने से मना किया है? कॉफी डे जाने से मना किया है? सिनेमा हॉल जाने से मना किया है? कभी लड़कियों पर लाइन मारने के लिए मना किया है? तुम वहाँ जाकर जो भी करने का सोच रहे हो सब यही करो। पापा,
चैटिंग में बेंगलोर की कोई लड़की मिली होगी, पूछो इससे जरा। क्या चुगली कर रही हो तुम? ए, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देखो तुम्हारा हमारे साथ रहना जरूरी है बस। जिद मत कर लक्ष्मण, तुम वहाँ हम यहाँ, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे बेटा। माँ प्लीज, माँ सुब्बू प्लीज सुब्बू। ठीक है तो फिर जाओ, हमारे बिना कितने दिन रह पाओगे हम भी देखते हैं, जाओ। यस। ए देखा ना तूने, देखा लकी, यहाँ तो तूने किसी लड़की से प्यार नहीं किया, बैंगलोर की किसी लड़की से जरूर प्यार कर लेना, प्लीज प्लीज बेटा। सुबो बैंगलोर घूमने आए हो क्या? नहीं, खरीदने आए हैं, तुम दिलवाओगे क्या? क्या सर, मजाक उड़ा रहे हो? सुनिए, इसकी बात का बुरा मत मानना, वो मेरा गुस्सा आप पर निकाल रहा है बस। मैं किसी पर गुस्सा नहीं हूँ, मेरे लिए आप लोग गांव छोड़कर आ गए वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माँ। अरे बेटा, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते इसलिए साथ चले आए हैं, कैसे बात कर रहे हो तुम? उसके लिए ट्रांसफर लेकर आना जरूरी था क्या? ट्रांसफर क्या, मैं तो नौकरी से रिजाइन भी दे सकता था, हम तुमसे अलग नहीं रह सकते बेटा। बेटे से कितना प्यार करते हैं आप लोग। वैसे सर, आप होबली में क्या काम करते थे? हाँ मैं वो... सामने वाली आंटी पे लाइन मारते थे। ओ, लाइन मैन हो आप, सैलरी कितनी है सर? हंसना बंद करोगे तुम लोग? ये क्या है भाई, इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी? क्या सीएम आने वाले हैं? सीएम नहीं सर, देसाई। कोई मंत्री है क्या? मंत्री नहीं सर, बहुत बड़ा डॉन है, अगर आप उसके रास्ते में आए तो आपको काट कर रख देगा। हे भगवान। उसके सामने सवाल करने वाला कोई नहीं है सर, वो पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखता है, अगर वो चाहे तो भैंस चराने वाले को एमएलए बना देगा, झाड़ू लगाने वाले को कॉर्पोरेटर बना सकता है। सर, बेंगलोर की इस पवित्र जमीन को खा जाने वाला बकासुर है वो, पता है? क्या वो इतना बड़ा गुंडा है? इतना ही नहीं सर, दाऊद और उसका लिंक भी है। अच्छा, आप बेंगलोर में नए हो इसलिए बता रहा हूँ, देसाई ये नाम सुनते ही आप शांत हो जाना। भगवान। अरे भैया, ए लक्ष्मण, अब वो नहीं आने वाला, बारिश के रुकने तक अब ये नहीं आने वाला।